वही हल्द्वानी के सर्किट हाउस में सांसद अजय भट्ट की अध्यक्षता में दिशा की बैठक की। दिशा उस वक्त बदल गई जब विधायक ने हंगामा कर दिया और विधायक और जिलाधिकारी के बीच जमकर बहस हुई। पूरा मामला आपदा के तहत गौला नदी में चैनलाइजेशन को लेकर था, जिसमें सिंचाई विभाग द्वारा वर्तमान में पोकलैंड लगाकर काम किया जा रहा है, जबकि विधायक ने सिंचाई विभाग को काम दिए जाने को लेकर आपत्ति जताई, जबकि जिलाधिकारी का कहना था कि उनके द्वारा वन विभाग को स्वत या किसी अन्य एजेंसी से काम किए जाने को कहा गया था। सांसद अजय भट्ट के सामने ही काफी लंबे समय तक यह बहस चलती रही। अंत में सांसद को कहना पड़ा कि आखिर जिले में यह चल क्या रहा है। बैठक में सांसद इसे मामूली सी घटना बताते हुए टालते हुए नजर आए, जबकि लालकुआ विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने अधिकारियों पर जनता के प्रति गंभीर न होने के सवाल उठाए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। छोट मोट बातें होते रहती है कहीं पर, मैंने कहा ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, वो सुलझ जाती है। पारिवारिक बातें हैं, ऐसी बातें होती रहती हैं, और उसके बाद जब सुलझ गई, देखिए कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी अधिकारी हो, सबका लक्ष्य है कि जनता को अधिकात्मक, हम अधिक से अधिक जो है उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखें, उनकी जो परेशानियां हैं उसका ध्यान रखें। इसीलिए सामंजस्य के लिए ही जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा इसका नाम रखा गया है। यही तो सामंजस्य इसमें होता है। नहीं, जो अधिकारी ढिलाई कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, उन पर तो बहुत खराब कार्रवाई भी होती है। इसलिए छोटी मोटी गलत फहमियों में कोई चीज़ होती है तो वो हो जाता है कि कोई खास बात नहीं। इस तरह की दिक्कतें थी विभागों में, आपस में तालमेल न होने की वजह से ये सुरक्षा के कार्य, क्योंकि सरकार की ओर से पैसे की कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आप लोगों ने जानकारी ली होगी, 10-10 करोड़ एक जिले के और दे दिया है कि किसी भी प्रकार से आपदा कार्यों में, राहत कार्यों में जो बाढ़ सुरक्षा के कार्य हैं उनमें कोताही न बरतें। लेकिन उसके बावजूद भी कार्य नहीं हो पा रहा है, और आज तक भी अभी जिन जगहों पर चैनलाइजेशन का काम होना था वहाँ पर काम शुरू नहीं हो पाया। तो इसी को लेकर आज एक बातचीत हुई है, और माननीय सांसद जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि सिंचाई विभाग कार्य को करेगा और तुरंत कार्य को करेगा, तो मुझे उम्मीद है कि कल से कार्य शुरू हो जाएगा।